Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I will hope you will all fine with the blessing of Allah Almighty. My dear students, chemistry 9th class, chapter number 5, lesson number 52 आज start करेंगे और आज हम जो topic पढ़ेंगे वो है जी boiling points, उसके factors देखेंगे और साथ में chapter number 3 के दो long question को mark up करेंगे 5 and 6. My dear students, आज हम 9th का topic पढ़ेंगे boiling point. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट. देखिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है. पहले मैं आपको ये डायग्राम्स देखिए जरा. ये डायग्राम क्या कह रहे हैं. व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, आपने लिक्विड को हीट किया है. जैसा लिक्विड के मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे. लिहाजा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत से इसमें ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इन तमाम वाटर मॉलिक्यूल की अगर लिक्विड की जो एवरेज एनर्जी है अगर वो 100 है तो वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी 100 से ज़्यादा हो जाएगी वो ज़्यादा एनर्जी गेन करने से यहाँ से क्या करेंगे वेपर्स ज़्यादा बनाएंगे. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वेपर्स ज़्यादा बनेंगे. जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, इस लिक्विड के ऊपर यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ये है एटमोसफेयर. ये एटमोसफेयर जो है इसका प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर मर्करी. ये प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर लग रहा है यानी कि इन वेपर्स पे लग रहा है. जैसे आप हीट करते जाएंगे ये वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आपका वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. जब वेपर प्रेशर 2760 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो जाएगा जो कि एटमोस्फेरिक का प्रेशर है तो तब आप कहेंगे कि ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो गया है. ओके जी, आइए इस बात को यहाँ डेफिनेशन समझते हैं. वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर के. अभी ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है, अगर आपने इसके ऊपर कैप रख लिया तो उसे एक्सटर्नल प्रेशर कहेंगे. ठीक है जी. माय डियर स्टूडेंट, जब आपका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो चीज़ बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है. ओके जी, अब इसी चीज़ को एक डायग्राम शो करते हैं जी. इस डायग्राम को गौर से देखिए. इस डायग्राम में मैंने तीन लिक्विड लिए हैं जी. ब्लू कलर वाटर को शो कर रही है, रेड लाइन इथाइल अल्कोहल को शो कर रही है और ब्लैक लाइन डाई इथाइल ईथर को शो कर रही है. इन तीनों लिक्विड्स का टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड था ये टेम्परेचर है जी 0, 20, 40, 60, 80, 100. ये टेम्परेचर मैंने एक्स एक्सिस में ले लिया है और वाई एक्सिस मैंने प्रेशर ले लिया है, प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी. जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो वाटर का वेपर प्रेशर 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था. जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो इथाइल अल्कोहल का प्रेशर 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो डाई इथाइल ईथर का प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था. फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया 20, 40, 60, 80, 100. माय डियर स्टूडेंट, देखेंगे जैसे ही डाई इथाइल ईथर का टेम्परेचर आपने 34.6 करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल हो जाएगा 760 के. ये जो लाइन मैंने ब्लू कलर से ड्रा की है ये 760 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर को शो कर रही है और इसके लिए जब आप नीचे ड्रा करेंगे तो ये टेम्परेचर शो करेगी. यहाँ पे टेम्परेचर 34.6 है जबकि 34.6 के ऊपर डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर 760 के इक्वल हो जाता है. लिहाजा इस टेम्परेचर पर ये क्या कर देगी, बॉयल होना शुरू हो जाएगी. जबकि होता था जो वाटर जो अब की इथाइल अल्कोहल होती है वो 78, ये देखिए लाएंगे जब नीचे ड्रा करेंगे तो 78 पे आ जाएगी. तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे इथाइल अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर होता है, मतलब इथाइल अल्कोहल के जो वेपर प्रेशर लगाते हैं वो 760 मिलीमीटर मर्करी के इक्वल हो जाते हैं. लिहाजा इथाइल अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होती है. जबकि ऑन द अदर हैंड जो वाटर है जैसे टेम्परेचर 100 होता है तो वाटर का वेपर प्रेशर वाटर वेपर प्रेशर जो होता है वो 760 मिलीमीटर हो जाता है जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है. लिहाजा डाइथाइल ईथर 34.6 पे बॉयल होगी, इथाइल अल्कोहल 78 पे बॉयल होगी और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा क्योंकि इन टेम्परेचर के ऊपर इन तीनों चीज़ों का इन इस टेम्परेचर के ऊपर इन टेम्परेचर के ऊपर जो प्रिंट के वेपर्स का प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर 760 के इक्वल हो जाता है. लिहाजा ये तीनों चीज़ें अपने रिस्पेक्टिव टेम्परेचर के ऊपर क्या करना शुरू कर देंगी, बॉयल करना शुरू कर देंगी. ओके जी, माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब मैं आपको कुछ फैक्टर बताता हूँ जिसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स. तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड. माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पोलर लिक्विड्स होते हैं
उनके अंदर हाई इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं, लिहाजा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इनके वेपर जल्दी नहीं बनेंगे, लिहाजा इनको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये बॉयल होंगे। जब जो नॉन पोर लिक्विड्स होते हैं उनके लो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं, लिहाजा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये टेबल बना हुआ है, देखिए डाइएथाइल ईथर में 34.6 है, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, लिहाजा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। डाइएथाइल ईथर के अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लेस है। नॉर्मल ऑक्टेन का बॉइलिंग पॉइंट 126 होता है और एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सारे टेम्परेचर माय डियर स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, ये सारे टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में। ये सारे टेम्परेचर किस में है जी, डिग्री सेल्सियस में है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा फैक्टर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट करता है, वो है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होगी तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए होगा वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर के। जैसे कि वाटर के अंदर हाई इंटरमॉलिकुलर फोर्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स होती हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाएगा, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। लिहाजा माय डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल देखिए, डाइएथाइल ईथर के अंदर वेपर प्रेशर बहुत जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाता है, लिहाजा 34.6 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होती है जी, वीक होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट फैक्टर पढ़ाते हैं आपको जी, एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी, ये बहुत इफेक्ट डालता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर। आप बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कंट्रोल करके। कैसे, देखिए, बॉइलिंग पॉइंट कैन बी इंक्रीज, आप किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है जी। और आप एक्सटर्नल प्रेशर को कैसे बढ़ाएंगे, इस एग्जांपल, बड़ी कॉमन एग्जांपल है डे लाइफ के अंदर, प्रेशर कुकर की एग्जांपल है जिसकी, कि प्रेशर कुकर के अंदर आप क्या करते हैं, आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा लेते हैं, क्या करके, उसको कैप लगाते हैं जी प्रेशर कुकर के ऊपर, तो जो कैप मेटेलिक कैप होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देता है, लिहाजा वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल जल्दी नहीं हो पाता, लिहाजा ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है लिक्विड को, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है बॉयल होने के लिए। जब लिक्विड को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा तो वाटर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जब वाटर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जो उसमें हमने फूड रखी होगी, जैसे मीट हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, ठीक है, वो जल्दी हमारे क्या हो जाएंगे, राइप कंडीशन में आ जाएंगे, जल्दी बॉयल हो जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे फैक्टर थे जी जो कि बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल करते थे। इंशाल्लाह कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो फ्रीजिंग पॉइंट और साथ में डिफ्यूजन का टॉपिक करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाते हैं चैप्टर नंबर 3 के। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक्स, ब्लॉक्स किसे कहते हैं इन पीरियोडिक टेबल, एंड व्हाई एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन ब्लॉक्स, और एलिमेंट्स को आप ब्लॉक्स में अरेंजिंग क्यों करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये क्वेश्चन करवाया था, राइट अ नोट ऑन ब्लॉक, फिर मैंने आपको इसकी टेस्ट करवाई थी SPDF ब्लॉक, साथ मैंने आपको इसके डायग्राम भी करवाई थी। आइए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर, पेपर 48 और 49 का आंसर है, आइए आपको मैं शो करवाता हूँ जी। ये माय डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ का पेपर 48 है, ऑन द अदर बेसिस ऑफ कंपिलेशन ऑफ अ पार्टिकल सबसे यहाँ से लेके लास्ट तक लिखेंगे जी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको भी डिटेल से क्वेश्चन कराया हुआ है, जो मैंने लेसन कराया था, अगर आप वहाँ से आपने स्टडी किया है तो मैंने उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया था, ठीक है जी। उसके बाद आप साथ में माय डियर स्टूडेंट डायग्राम बनाएंगे। ये माय डियर स्टूडेंट पेज नंबर 49 के ऊपर डायग्राम है, ठीक है जी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये डायग्राम तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसका आंसर बड़े अच्छे से लिखिएगा। मैंने जो लेसन पढ़ाया था उसे मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये क्वेश्चन कराया था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आप वहाँ से करने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ मैंने बहुत डिटेल पढ़ाई है इसकी। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जी, डिस्कस इन डिटेल द पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल, आंसर इसका पेज नंबर 49 और 50 पे है जी। माय डियर स्टूडेंट कहता जी बताइए पीरियड्स किसे कहते हैं और पीरियडिक टेबल में इनकी क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से जी। आइए उसका आंसर दिखाता हूँ आपको, पेज नंबर 49 और 50 के ऊपर इसका क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है, इस क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया था जी। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा पेज नंबर 49 है जी, बहुत डिटेल से क्वेश्चन लिखा हुआ है, पीरियड्स, ठीक है जी, ये पीरियड है जी, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे,
ठीक है जी। और उसके बाद मैडम मैंने आपको जो लेसन पढ़ाया था मैंने उसको छोटे छोटे हेडिंग में डिवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से कीजिएगा, वहाँ डिटेल इसकी ज़्यादा मिल जाएगी आपको। और साथ में नेक्स्ट पेज पे इसकी डायग्राम भी बना लीजिए, मैं शो करता हूँ आपको भी। ये माय डियर दोस्तों पेज नंबर 50 के ऊपर ये टेबल बना हुआ है, ये आप टेबल ड्रा करेंगे, ठीक है जी। ये टेबल ड्रा करेंगे, ये मैंने माय डियर फ्रेंड्स आपको बहुत डिटेल के साथ किया हुआ है, ठीक है। ये टेबल ड्रा कर देंगे, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फिनिश हो जाएगा जी। आइए माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको टास्क ऑफ टुडे बताता हूँ कि आज आप करेंगे क्या क्या। टास्क फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन करेंगे, फिर वेपर प्रेशर को पूछता है वाटर अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का 0 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिएगा सही वैल्यू बताइएगा कि वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है जी। ये 5 होता है ये, और अल्कोहल का 25 होता है और इसका 200 होता है जी। गिव बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर अल्कोहल एंड इथाइल ईथर, फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स पूछता है वाटर का अल्कोहल का और ईथर का। इसका 100 होता है, इसका 78 और इसका 34.6 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर बताना है बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, फिर बताना है बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, फिर बताना है बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। और फिर माय डियर फ्रेंड लास्ट आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो आज हमने आपको मार्क करवाए हैं उस पर वर्क करेंगे। माय डियर अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।